आपके अपने YouTube चैनल विद माय गार्डन में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो ब्रिंजल के सीड को हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों ये बैंगन के जो प्लांट होते हैं उसे हम हमारे गार्डन में और गमले में किस तरह से ग्रो कर सकते हैं और इसमें अच्छी खासी जो बैंगन है वो किस तरह से हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों सीड से लेकर बैंगन तक की पूरी सफर है वो रहेगी। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लगातार हम इस तरह के वीडियो है वो प्लांट पर बनाते रहते हैं दोस्तों, तो आपका सपोर्ट भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों इस तरह के जो सीड होते हैं वो आपको मार्केट से आसानी से अवेलेबल कोई भी एग्रीकल्चर के स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगा। इसमें जो हाइब्रिड टाइप के जो सीड होते हैं दोस्तों वो अच्छे होते हैं, क्योंकि हेल्थी सीड ही लीजिए दोस्तों। इससे दोस्तों जो बैंगन होते हैं वो जो देसी हम घर पर बैंगन से कलेक्ट करे हुए सीड होते हैं उसके मुकाबले दोस्तों इसमें थोड़े जो बैंगन है वो जल्दी ही इसमें लग जाते हैं और इसका रिजल्ट भी अच्छा खासा हमें मिला है दोस्तों। तो उसको हमने चारों तरफ स्प्रिंकल कर दिया है और एक दोस्तों मैंने कैरेट लिया है, आप देख सकते हो, तो उसके अंदर ही मैंने ये ग्रो कर दिया है। इसमें जो मिट्टी ली है दोस्तों वो नॉर्मल मिट्टी है और उसके साथ ही दोस्तों मैंने काव डंक वर्मी कंपोस्ट, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है उसका एक मिश्रण है वो तैयार कर सकते हैं दोस्तों। सीड को दोस्तों इतनी गहराई में हमें नहीं डालना है ताकि ये जर्मिनेशन ना हो, ज़्यादा डीप में जाएगी दोस्तों तो इसके सीड है वो ग्रो होने में या तो देरी लगेगी या तो बाद में पानी की वजह से दोस्तों गल भी सकते हैं, तो ग्रो भी इस तरह के जो प्लांट होंगे वो ग्रो बाद में नहीं होंगे, तो उसका हमें खास ख्याल रखना होगा। अच्छी तरह से इसको हमें दोस्तों एक दबा देना है ताकि ये अपने स्थान से जब भी हम वॉटरिंग करें तो इधर उधर हिले ना। तो अच्छी तरह से स्टेबल हो जाने के बाद दोस्तों वॉटरिंग है वो एक स्प्रे की तरह मैंने बोतल ले ली है, उस तरह से ही करूँगा। एक बार दोस्तों इसमें से जर्मिनेशन हो जाए सीड, तब तक ये चीज़ों का हमें ख्याल रखना होगा दोस्तों कि कोई ऐसी चीज़ों से हम वॉटरिंग ना करें ताकि अपने स्थान से वो सीड इधर उधर हिले ना। तो एक जितनी ज़रूरत होगी दोस्तों उसके मुताबिक हम वॉटरिंग करेंगे दोस्तों। ये जो कैरेट है पूरा वो आप अपने मुताबिक ले सकते हो, कितने सीड आपको ग्रो करने हैं उसके मुताबिक। बाद में दोस्तों इसमें से भी हम प्लांट को शिफ्ट कर देंगे जब भी ये थोड़ा मैच्योर होगा दोस्तों। तो हमने दोस्तों एक बैग है उसके ऊपर ढक दी है ताकि कोई दिक्कत ना आए या तो कोई बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसकी कोई दिक्कत ना आए या तो कोई डिसीज है वो भी ना लग जाए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है चिड़िया या कुछ और भी जो पंछी होते हैं वो दाना चुन कर इसे खा जाते हैं, तो उसका भी ख्याल रखने के लिए बैग ढक देनी चाहिए दोस्तों। तकरीबन एक वीक का समय हो बीत चुका है, आप देख सकते हो दोस्तों कि सीड में से प्लांट है वो जर्मिनेशन हो गए हैं। ज़्यादातर दोस्तों इसमें से सीड है वो जर्मिनेशन हो गए हैं और ये आगे जाके बड़े प्लांट का भी स्वरूप ले लेंगे। उसमें से दोस्तों ऐसा भी होता है, काफ़ी सारे सीड ऐसे भी होते हैं जो सीड जर्मिनेशन नहीं होते हैं। तो मैंने आगे कहा था दोस्तों कि कभी कभी डीप में जो सीड गिर जाते हैं वो जर्मिनेशन नहीं होते हैं या तो बहुत ही लेट जर्मिनेशन होते हैं। तो ये दोस्तों कुछ और दिनों का समय हो बीत चुका है और हमारे जो प्लांट है वो दोस्तों ऑलरेडी बैंगन के तैयार होने लगे हैं। इसमें दोस्तों तकरीबन 20 दिनों का समय है वो चला गया है। वॉटरिंग की बात करूँ दोस्तों तो इसकी मिट्टी का जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो तकरीबन थोड़ा बहुत गीला रहे, उस तरह से हमने रेगुलर वॉटरिंग किया है। ऐसा लगे दोस्तों तो एक आध दिन का भी आप गैप भी रख सकते हो, ज़्यादा वॉटरिंग की ज़रूरत फिर नहीं होती है। सीड को जर्मिनेशन होने के बाद दोस्तों प्लांट है वो बना रहे, इस तरह का वॉटरिंग हमें करना चाहिए। तो देखिए एक मंथ का समय वो बीत चुका है और कुछ प्लांट है वो मैंने दोस्तों आपको वीडियो में नहीं देखा है पाया हूँ मैं, लेकिन मैंने दोस्तों इसमें से शिफ्ट दूसरे गमले में भी कर दिया है। तो जब भी इतनी साइज का दोस्तों ये प्लांट तैयार हो आप और गमले में इसे शिफ्ट कर सकते हो दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा गमले की साइज के मुताबिक एक दो प्लांट ही रखे दोस्तों। मैंने एक पाइप भी तैयार किया है, उसमें दोस्तों कुछ वेस्टेज पाइप पड़े थे तो उसमें भी मैंने कुछ जो प्लांट थे बैंगन के उसमें शिफ्ट किया है और भी कुछ वेजिटेबल उसमें लगाए हैं दोस्तों। ये और मेरे पास गार्डन में जो प्लांट है उसमें अच्छी खासी पोलिनेशन बना रहा है, जैसे तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, ज़्यादातर मधुमक्खियाँ तो मेरे गार्डन में नहीं होती, वो तितलियाँ वगैरह है दोस्तों वो
आने से दोस्तों और प्लांट में भी फ्लावर है वो बने रहते हैं। ये वेजिटेबल प्लांट लगाने की दोस्तों एक बहुत ही अच्छी रीत होती है, जिससे और प्लांट को भी अच्छी खासी बूस्टर हेल्थ मिल सकती है, अच्छी खासे फ्लावर है वो बन सकते हैं। दोस्तों और कुछ दिनों का समय है वो चला गया है, हमारा जो बैंगन का प्लांट था वो अब मैच्योर हो गया है, उसमें फ्लावर भी दोस्तों लगने लगे हैं। तकरीबन 70 दिनों का समय है वो बीत चुका है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें बारी है कि इसमें अभी बैंगन है वो आने वाले दिनों में लगेंगे दोस्तों, फ्लावर की शुरुआत हो चुकी है। इसमें दोस्तों फर्टिलाइज़र का बारी आती है, तो फर्टिलाइज़र दोस्तों अब जाके आप दे सकोगे। बीच में दोस्तों शुरुआती दिनों में हमने थोड़ी बहुत ही खाद दी थी, तो NPK है दोस्तों या तो गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, इस प्रकार की खाद है वो बैंगन के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। धूप छाव की बात करूँ दोस्तों तो थोड़ी बहुत धूप मिलती रहे इवनिंग मॉर्निंग की, इस तरह की धूप भी इसे पसंद है, बिना धूप के भी ये अच्छे खासे बैंगन नहीं देगा दोस्तों। तो आपने देखा दोस्तों कि सीड से लेकर बैंगन आने तक की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। कोई डिसीज लगे दोस्तों तो नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हो, और कोई मेंटेनेंस इसमें नहीं है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।